तो दोस्तों, शाहरुख खान के फैंस जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भैया बनने जा रही है धूम 4। और धूम 4 के अंदर नजर आने वाले हैं हमारे किंग खान। वैसे हर कोई जानता है बादशाहों के बादशाह है, हर इंसान अपने काम के अंदर बादशाह होता है, फील्ड होता है, स्पेशलिटी होती है उसकी और उसका एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा होता है। बट किंग खान एक ऐसे हैं जो रियल में किंग है बॉलीवुड के, क्योंकि जब भी विदेशों के अंदर अक्सर जाया जाता है और वहां बताया जाता है कि यस वी आर अ इंडियन एंड आई एम अ इंडियन, तो उनके मुंह से एक नाम निकलता है एहसान, शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, ये शाहरुख खान इतने फेमस हैं, आखिर बॉलीवुड की इतनी बड़ी शान है और इतनी बड़ी पहचान है। आगे धूम 4 के अंदर शाहरुख खान होने वाले हैं या नहीं होने वाले, क्या ये रूमर्स चल रहे हैं सर, ये सब तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए और साथ ही साथ जानने के लिए कि भाई शाहरुख खान इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। दोस्तों, शाहरुख खान तो बस शाहरुख खान है, रोमांटिक बॉय है, चॉकलेट बॉय है, पिक्चर है जबरदस्त है, कल हो ना हो और कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ना जाने कौन कौन सी पिक्चर है इन्होंने इतनी रोमांटिक डाल दी कि भैया हर लड़की इनकी फैन हो गई, हर कोई इनका दीवाना हो गया और वो दीवानगी कुछ इस कदर चढ़ी कि लगातार इनके पिक्चरें सुपर डुपर हिट होने लगी। वो दौर ही कुछ ऐसा था जिसमें शाहरुख खान के पास सिर्फ पैसा नहीं नाम भी था, यानी पैसा तो था ही था, पर यहाँ पे कुछ टाइम बाद उनके ऊपर ऐसी गाज गिरी कि बॉलीवुड से उनका लगभग लगभग टाटा बाय बाय हो गया। 4 साल तक तो कोई फिल्म नहीं, उससे पहले की फिल्म दिलवाले या फिर और भी जो पिक्चर्स आई वो हो गई सारी की सारी फ्लॉप। अब सोच रहे थे शाहरुख खान के भाई क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि वापस से चल पड़े उनकी दुकान, और दुकान चलने के लिए उन्होंने साथ पकड़ा किसका, एटली का और सिद्धार्थ आनंद का, क्योंकि 4 साल बाद कम बैक करा उन्होंने विद पठान, और पठान जब आया तो उसने बढ़ा दी शाहरुख खान की शान। जी हाँ दोस्तों, और ये शान बढ़नी भी जरूरी थी, शाहरुख खान का कम बैक ही इतना बेहतरीन था और ये कम बैक देखकर हर कोई इनका दीवाना हो गया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि चॉकलेट बॉय, रोमांटिक बॉय एक्शन करने वाला है और इस बड़े लेवल का, इतने जबरदस्त लेवल का एक्शन करने वाला है कि भाई देख के हर कोई इनका कायल हो जाएगा। और उस कायल से इन्होंने पायल बजा के फिर दोबारा से ले आए जवान। जवान पिक्चर के अंदर जो इन्होंने विक्रम राठौड़ का किरदार निभाया वो बहुत ही बेहतरीन, काबिले तारीफ था, और उसमें तो आपने देखा ही था कि किस तरह शाहरुख खान कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और बस इसी तरीके से कुछ उनका ताप बढ़ गया और ताप बढ़ा फिर उनकी आई मूवी डंकी। डंकी जब रिलीज हो गई एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि पठान का जैसे रिकॉर्ड थोड़ा जवान ने, उसी तरह जवान का रिकॉर्ड तोड़ देगी डंकी, बट डंकी थोड़ी फंकी टाइप हो गई यार और वो ऐसा करने में पीछे रह गई। पर यहां मैं आपको एक चीज बताऊं कि डंकी का पीछे रहने का कारण ये नहीं था कि पिक्चर की स्टोरी के अंदर ज्यादा दमदार पना नहीं था या एक्शन सीन नहीं था, एक्चुअली में मामला ये था शाहरुख खान को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो पहले तो रोमांटिक रहते थे, उसके बाद फिर वो एक्शन में आए एज अ पठान जवान में जो हमने देखा, उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस किरदार में आ जाएंगे, यानी कि देशभक्ति वाला एक अलग लेवल का किरदार। देशभक्ति पे पिक्चर अक्सर उन्होंने करी है, पठान जवान दोनों ही देशभक्ति से रिलेटेड है, पर ये वाला जो किरदार है ये थोड़ा हटके किरदार है। पर चलो, अब ये किरदार तो हो गए सारे पुराने, अब बात करते हैं धूम 4 की। भाई धूम फ्रेंचाइजी के बारे में हर कोई जानता है और धूम फ्रेंचाइजी रही भी ऐसी है क्योंकि पहले जॉन अब्राहम देखने को मिले थे, अभिषेक बच्चन ऐसा हीरो हर बार पिक्चर में रहते हैं, बट वो रहते ही हैं, उनके अलावा वो कुछ कर नहीं पाते, बस वो रह के रह ही जाते हैं। जॉन अब्राहम ने बहुत अच्छा मजा दिलाया था पिक्चर के अंदर, बहुत कम बोले थे बट जितना बोले थे तोल मोल के बोले थे, और वो बस उनका तोल मोल के बोलने वाला, और जो उनका बाइक वाला सीन था वो स्टंट मैन वाला कावासाकी भगा रहे हैं, मतलब उसका हर कोई कायल हो गया था, हर कोई दीवाना हो गया था, और गली गली में बच्चे धूम मने घूमते थे, कुछ नहीं तो हाथ से ही स्कूटी यूं ही नॉर्मल भागते हुए चला लिया करते थे, ये हमने अक्सर देखा था। फिर उसके बाद जो बची कुची कसर रही थी वो कसर पूरी करी ऋतिक रोशन ने। भाई धूम फ्रेंचाइजी के जो सेकंड पार्ट था धूम 2, ऋतिक रोशन ने उसमें जो जान डाली, नए नए फ्लेवर्स, नई नई तरीके से चोरी करना, वो उसने तो दिल सच में चुरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ तो अभिषेक बच्चन तो थे ही थे बट साथ में उनकी वाइफ भी आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिक्चर के अंदर किस तरीके से ऋतिक रोशन जच रहे थे, शूट कर रहे थे, वो एक अलग लेवल का मामला था। अच्छा, अब देखने वाली बात यहाँ पे है जो उसका थर्ड पार्ट आता है, आमिर खान धूम 3। आमिर खान का वो भी डबल रोल, भाई इसने तो सबका दिल चुरा लिया और जबरदस्त तरीके से छप्पर फाड़ के पिक्चर ने कमाई भी करी। भाई यशराज फिल्म्स की मूवी है तो जाहिर सी बात है कमाई करना तो बनता है,
और सबसे बड़ी बात कि धूम 4 बननी थी, इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, बट यहाँ मैं आपको बताऊं कि धूम 4 पे यशराज फिल्म्स ने काम स्टार्ट कर दिया है, जिसके साथ अब शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी बड़ी तगड़ी है और शाहरुख और यशराज फिल्म्स के रिलेशंस इतने गहरे हैं कि भाई तोड़े ना टूटे। वो कहते हैं ना, ये वो धागा है जो तोड़े ना टूटे, ये वो रिश्ता है जो तोड़े ना टूटे, ऐसा कुछ रिश्ता है SRK का विद यश फिल्म्स जो है हमारी, यशराज फिल्म्स उसके साथ। पर यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हर कोई ये जानता है, ये रूमर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सोचा होगा पूरी वीडियो बना दी बता दी, बट यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है ना, कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं निकल के आई है। अगर शाहरुख खान धूम 4 का पार्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है ये पिक्चर छप्पड़ फाड़ के कलेक्शन करेगी, और जिस साल भी ये पिक्चर रिलीज होगी उस साल की सबसे बड़ी पिक्चर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कहता हूँ, 101% ये पिक्चर सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि अब एक्शन सीन देखने के लिए हर कोई बेताब है शाहरुख खान के। शाहरुख खान ने यार वो एक्शन सीन दिखाया है ना, वो आजकल के लड़के बन के आ गए। अब ये अब वो वाला सीन नहीं रहा पुराने वाला, अब सीन ये वाला हो गया कि अब आजकल के लड़के बन के आ गए, और आजकल के लड़के बन के जो ये कमाल मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है, और ये काबिले तारीफ होना भी चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी एक अलग पर्सनैलिटी है, किंग खान है ये, कभी हार ना मानने वाला, कभी झुकने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का नाम ही नहीं जोड़ा जा रहा, और शाहरुख खान का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है ये भी बता देता हूँ। पहली बात, शाहरुख खान का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, शाहरुख खान का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि पठान और जवान के अंदर इन्होंने बहुत भरपूर एक्शन कराया, और उसी एक्शन का हर कोई दीवाना हो गया। फैन क्लब जो है शाहरुख खान को, वो भी चाहता है शाहरुख खान इस मूवी में हो, बट कोई अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है। अगर शाहरुख खान इस मूवी में हुए तो भाई बिग बजट मूवी के साथ साथ बिग कलेक्शन मूवी भी होने वाली है ये, और बहुत अच्छा कलेक्शन करेगी। शायद शाहरुख खान ही अपनी पिक्चर का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड खुद कायम कर दे धूम 4 के जरिए, उससे पहले भी और पिक्चरों में कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, किंग खान है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, शाहरुख खान के अलावा में कौन सा नाम चल रहा है, शाहरुख खान के अलावा में भी नाम चल रहा है एक, वो नाम है रणवीर कपूर का। रणवीर कपूर का नाम ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि वो विलन का किरदार निभाने जा रहे हैं एनिमल पार्क के अंदर, जो निभा रहे हैं देखा है हमने, जाहिर सी बात है एनिमल के अंदर भी एज अ हीरो वो आए हैं, बट एज अ हीरो में भी उन्होंने बहुत धुआंधार मचाया है, और अब एनिमल पार्क में तो हीरो भी बन रहे हैं वो विलन भी बन रहे हैं, तो पिक्चर और बेहतरीन होने वाली है। बट उससे पहले एक जानकारी और दे दूं कि रामायण, नितेश तिवारी की रामायण में श्रीराम बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई विलन तो बन के ये नहीं आने वाले, इतना तो डन हो गया है। और बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान भी विलन नहीं बनने वाले, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अब तक की मूवीज के अंदर एज अ हीरो आ रहे हैं वो, और एज अ हीरो आ रहे हैं, एज अ चॉकलेट बॉय फेस है उनका, तो जाहिर सी बात है वो चॉकलेट बॉय फेस जो है उस पर कहीं ना कहीं एक दाग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि विलन का किरदार इनके ऊपर इतना सूटेबल नहीं होगा। वैसे विलन वाला किरदार भी करने में कोई कमी नहीं रखते हैं भाई, शाहरुख खान है, किंग खान है, किंग है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि इस पिक्चर यानी कि जो फ्रेंचाइजी है धूम की, इसको लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और एक नाम सबसे टॉप पे चल रहा है वो है ऋतिक रोशन, क्योंकि ऋतिक रोशन कंप्लीटली सूट होते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उठा के देखा जाए तो पर्सनैलिटी वाइज भी वो सूट हो रहे हैं, और धूम 2 के अंदर जिस तरह का किरदार उन्होंने दिया है वो किरदार भी काफी ज्यादा जच रहा है। बट सबसे बड़ा और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि हर बार कहीं ना कहीं जाके अभिषेक बच्चन का धूम पिक्चर की मतलब धूम फ्रेंचाइजी की हर मूवी के अंदर मोए मोए हो जाता है, और ये मोए मोए क्यों होता है वो आप लोगों ने तीनों धूम देखी है उसमें आप लोगों को पता चली गया। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग क्या चाहते हैं कि धूम 4 के अंदर क्या शाहरुख खान को होना चाहिए या रणवीर कपूर को होना चाहिए, या आखिर कौन सा चेहरा धूम 4 में काफी ज्यादा सूट करेगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।